एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। और मैं आपको बताऊं एक्चुअली में इसमें क्या होता है, यूनिवर्सिटी में आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस। तो इस वीडियो में अपन पूरा एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस को जो है अपन अच्छे से समझेंगे, इसका पूरा कंसेप्ट। फिर मैं आपको एंड में मेरे जो नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं उसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करवा दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि इसे यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो आप मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना। तो अब आपको एक्चुअली में ये बात पता है, जो बाइल जूस जो होते हैं वो अपने कहाँ बनते हैं, वो अपने बनते हैं लिवर में। देन लिवर से अपन सारे बाइल जूस को अपन जो है स्टोर होने के लिए रख देते हैं गॉल ब्लैडर में। देन फिर वो गॉल ब्लैडर से जब अपने डाइजेशन का टाइम आता है अपन वो सारा बाइल जूस पहुँचवा देते हैं अपने ड्यूडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अपन को जो एक्स्ट्रा बिलियरी एपरेटस में जो है अपन को पूरा यही पढ़ना है, जो अपना रास्ता होता है ना जहाँ से अपन जो सारे बाइल जूस को लिवर से कलेक्ट करके अपने गॉल ब्लैडर में डालेंगे स्टोर एंड कंसेंट्रेशन होने के लिए। उसके बाद जब टाइम आएगा जब अपन को उसको इंटेस्टाइन में पहुँचाना रहेगा, तो यहाँ पर लिखा भी है एक्स्ट्रा हेपेटिक, हेपेटिक मतलब लिवर, एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब लिवर के अलावा जो पूरा ये जो डक्ट्स वगैरह रहती है ना वो सबका सब आपका बना लेती हैं एक्स्ट्रा बिलियरी एपरेटस। तो अब मैं आपको बताऊं एक्चुअली में एक्स्ट्रा बिलियरी एपरेटस क्या कर रहा है, यहाँ पे लिखा भी है वो अपना कलेक्ट करता है बाइल फ्रॉम लिवर, वो लिवर से सारा बाइल जूस अपना कलेक्ट कर लेता है, उसके बाद वो आपका स्टोर होने के लिए देगा उसे इन ए गॉल ब्लैडर। देन गॉल ब्लैडर से सारा का सारा जूस अपन डाइजेशन के टाइम जो है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में जो है अपन इसको ट्रांसमिट करवा देते हैं। अगर आपने मेरी ड्यूडेनम की वीडियो नहीं देखी है तो मैं पहले यही आपको सजेशन करूंगा कि आप मेरे ड्यूडेनम की वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें मैं जो है पूरा ड्यूडेनम आपको समझा चुका हूँ, उसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से आपका एपरेटस कंसेप्ट होता है। तो अगर आप मेरा ये वाला डायग्राम देखो, तो अब यहाँ पे आप देखो तो क्या होता है, लिवर के राइट लोब से जितना भी बाइल फॉर्म होता है ना वो अपना जाता है राइट हेपेटिक डक्ट में, और जो लेफ्ट लोब में जितना भी बाइल अपना सीक्रेट होता है वो अपना जाता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट में। यानी दोनों के दोनों डक्ट अपनी हो जाती हैं ज्वाइन और आपकी बना लेती हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। और इस साइड देखो तो ये अपना प्रेजेंट है पूरा गॉल ब्लैडर, देन गॉल ब्लैडर आगे जाके अपनी बनाता है सिस्टिक डक्ट। तो अच्छे से याद कर लेना, सिस्टिक डक्ट जो है वो अपनी गॉल ब्लैडर की डक्ट है, और ये सिस्टिक डक्ट और कॉमन हेपेटिक डक्ट दोनों के दोनों ज्वाइन होकर बनाती हैं अपनी एक कॉमन बाइल डक्ट। तो होता क्या है, राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो है वो अपना बाइल जूस लेते हैं अपने लिवर से, और फिर वह आपके सिस्टिक डक्ट के होते हुए वो उसको गॉल ब्लैडर में जो है स्टोर करवा लेते हैं। फिर यहाँ पर गॉल ब्लैडर में क्या होता है, सारा अपना हेपेटिक डक्ट जो है स्टोर होता है, और अपना 10 टाइम अपन इसको यहाँ पे कंसेंट्रेशन भी उसका करवा लेते हैं। फिर जैसे ही अपना डाइजेशन का टाइम आता है तो वो गॉल ब्लैडर से सारा का सारा जो अपना जो बाइल जूस है वो अपना इसी सिस्टिक डक्ट के होते हुए अपना पहुँच जाता है अपना कॉमन बाइल डक्ट में। देन ए कॉमन बाइल डक्ट अगर आप देखें वो नीचे जाके जो अपनी मेन पेनक्रियाटिक डक्ट होती है ना, उस मेन पेनक्रियाटिक डक्ट में जो है ये कॉमन बाइल डक्ट अपनी हो जाती है ज्वाइन, और फिर वो आगे जाके अपना जो है सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन हो जाती है। और सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन होने से पहले ये जो डक्ट है एक्चुअली में अब अपन इसको बोलने लगते हैं पेनक्रियाटिको हेपेटिक डक्ट। एक्चुअली में ये जो है यहाँ पे पेनक्रियास भी है और ये वाली डक्ट जो है अपनी कॉमन बाइल हेपेटिक डक्ट है, तो इसलिए अपन इसको बोलने लगते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। और ये हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट अपने सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ओपन होने से पहले अपना हल्का सा एक डायलेशन बनाती है, उसको अपन बोलते हैं एम्फुला, मतलब किसी भी डायलेशन को अपन बोलते हैं एम्फुला। तो यहाँ पे वो एक एम्फुला बना लेती है जिसे अपन बोलते हैं हेपेटो पेनक्रियाटिक एम्फुला। तो ये पूरा का पूरा ये जो है इसे ही अपन बोलते हैं एक्स्ट्रा बिलियरी एपरेटस। तो यहाँ पे यही लिखा है कि जो एपरेटस है वो किससे कंसेप्ट है, तो वो आपका सबसे पहले कंसेप्ट है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से। मतलब यार तुम उसको ना रटने मत बैठो, तुम इसे समझो, और जो जो इस डायग्राम में है ना बस वही आपको एज इट इज यहाँ पे लिखना है। तो अगर तुम चीज़ों को क्या रटने के बजाय समझोगे ना तो तुम आराम से जब भी क्वेश्चन अगर यूनिवर्सिटी में आएगा तो तुम लिख दोगे, सबसे पहले तुम उसको भूलोगे नहीं, और दूसरी बात तुम उसको क्या पूरा बड़ा तुम इसमें लिखाओगे आराम से एक शॉर्ट नोट। तो सबसे पहले इसमें आएगा राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, ये आपको दिख भी पा रहा है, देन ये दोनों ज्वाइन होकर बना रही हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। उसके बाद इसमें आ रहा है पूरा गॉल ब्लैडर, और फिर गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसे अपन बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, और फिर ये बनाती हैं दोनों कॉमन
बाय डॉक्टर। तो ये पूरा मैंने आपको ये बता दिया किस किस से वो बना है। देन अब अपन क्या करते हैं, इसको और फर्दर डिटेल में देखते हैं। और उसको डिटेल में देखने से पहले मैं आपको क्या एक बार से 3D में इमेजिन करवा देता हूँ। और 3D में इमेजिन करने से क्या होगा, आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाएंगी। तो अब आप यहाँ पर मेरे 3D मॉडल में देखिए, ये अपन मेनली देख रहे हैं अपने पूरे ड्यूडेनम के ऑर्गन्स पोस्टीरियर साइड से। देन यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो पैनक्रियाज है ना ये हाइड करता हूँ। देन अब आपको ये दिख रही होंगे सिर्फ पैनक्रियाज के डक्ट्स। अब आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा ये जो पैनक्रियाज के इन्फीरियर सरफेस पे, ये आपको ग्रीन से क्या दिख रहा है, ये है अपना गॉल ब्लैडर। और ये जो गॉल ब्लैडर जो है, एक्चुअली मैं आपको उसको पूरा सेपरेट करके दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो गॉल ब्लैडर है वो एक्चुअली में अपने इन्फीरियर सरफेस पे, यहाँ पे एक होता है फोसा जिसे अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर का फोसा, उसके अंदर ये पूरा सिचुएटेड होता है ये अपना गॉल ब्लैडर कुछ इस तरीके से। देन अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाला जो एरिया है ना लिवर का, इसको अपन बोलते हैं पोटा हेपेटिस, आपको क्लियरली दिख भी पा रहा होगा। तो अगर आपने मेरी लिवर की वीडियो नहीं देखी है ना, तो मैं पहले यही सजेस्ट करूँगा आप लिवर की वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझाया हुआ है पोटा हेपेटिस को। देन यहाँ पर पोटा हेपेटिस से अपने निकल रही है राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, और वो बना रही है अपनी कॉमन हेपेटिक डक्ट, और ये है अपना गॉल ब्लैडर, और ये है इसकी सिस्टिक डक्ट। वो दोनों बना रही हैं फिर अपने एक कॉमन बाइल डक्ट और एक कॉमन बाइल डक्ट। फिर आप ये देख रहे हो ये है अपनी पैनक्रियास की डक्ट वाइट से, देन ये पैनक्रियास की जो डक्ट है ना उसमें जाके ये ओपन हो रहा है, और वो दोनों फिर अपने ड्यूडेनम के सेकेंड पार्ट में जाके ओपन हो रहे हैं। तो आपने 3D में अभी देख लिया ना, तो आपको क्या और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे बस अपन को यही डिटेल में देखना है कि सारी जो डक्ट्स हैं वो कैसे बनी हैं। ये जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये एक्चुअली में अपने पोटा हेपेटिस से इमर्ज होती है फ्रॉम राइट और लेफ्ट लोब से, मतलब कि राइट और लेफ्ट लिवर के जो लोब है वहां से अपनी है राइट और लेफ्ट जो है हेपेटिक डक्ट आती है पोटा हेपेटिस के थ्रू। देन मैंने आपको 3D मॉडल में दिखाया भी था पोटा हेपेटिस लिवर में कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। देन वो दोनों डक्ट्स का यूनियन होगा और वो आपके बना लेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। देन फिर अपन गॉल ब्लैडर को अगर और डिटेल में देखें तो वो अपन को पता है ये अपना पियर शेप का होता है और ये रिजर्वायर है अपने बाइल का। देन इसकी सिचुएशन क्या है, ये अपना सिचुएटेड है इन्फीरियर सरफेस ऑफ लिवर में, जहाँ पे इसका एक फोसा रहता है उसे अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर का फोसा। देन गॉल ब्लैडर को अपन तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक उसका फंडस, एक बॉडी और एक नेक। अब एक्चुअली में क्या रहता है, ये जो अपना गॉल ब्लैडर है ना उसका इतना एरिया, नीचे वाला जो एरिया रहता है वो लिवर की इन्फीरियर बॉर्डर के बियॉन्ड होता है, बियॉन्ड एक्सटेंड करता है। देन उस पार्ट को अपन बोलते हैं फंडस। देन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी रहती है इसकी गॉल ब्लैडर की बॉडी, फिर इसका एक नैरो पार्ट रहता है एंड पार्ट, वो होता है उसका नेक, जो आपको कंटिन्यू होता है फिर आपका सिस्टिक डक्ट में। तो यहाँ पे ये लिखा है जो फंडस है वो एक्चुअली में प्रोजेक्ट करता है बियॉन्ड द इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ लिवर। देन इसकी बॉडी जो है वो आपके लाए करेगी फोसा में, गॉल ब्लैडर का जो फोसा है। देन उसका जो नेक होता है वो उसका नैरो अपर एंड होता है अपने गॉल ब्लैडर का, और ये सिचुएटेड होता है नियर द राइट एंड ऑफ पोटा हेपेटिस, पोटा हेपेटिस के पास में सिचुएटेड अपना होता है। देन फिर अगर अपन सिस्टिक डक्ट को और डिटेल में देखें तो एक्चुअली में क्या रहता है, ये जो सिस्टिक डक्ट है ना वो अपनी 4 से 3 सेंटीमीटर की लॉन्ग होती है अपनी, और ये अपनी बिहाइंड होती है नेक ऑफ गॉल ब्लैडर में, मतलब कि जो नेक है ना इसका, इसके पीछे की तरफ से ये जो है बेगन है ना शुरू होती है, फिर वो अपनी डाउनवर्ड रन करती है, डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, उसके बाद वो एंड हो जाती है बाय जॉइनिंग कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये आप देख भी रहे हो कॉमन हेपेटिक डक्ट में जाके ज्वाइन हो गई, और फिर ये आपकी बना लेती है अपनी कॉमन बाइल डक्ट। और उसके अलावा यहाँ पे एक जो ये जो है ना ये की पॉइंट लाइन लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्चुअली में क्या रहता है, जो अपनी सिस्टिक डक्ट रहती है ना उसके अंदर उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन रहती है ना वो 12 से 5 आपके फोल्ड बना लेती हैं, स्पायरल फोल्ड बना लेती हैं। अगर मैं आपको मेरी कॉपी में दिखाऊं, ये इस तरीके के क्या स्पायरल फोल्ड्स बना लेती है, वो कितने 5 से 12, उसको अपन बोलते हैं स्पायरल वॉल्व ऑफ हेस्टर, यहाँ पे लिखा भी है स्पायरल वॉल्व ऑफ हेस्टर, कुछ इस तरीके से वो बनाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, मैं इसको क्या तुम्हें हाईलाइट भी कर देता हूँ, तो तुम्हें बिल्कुल ये याद रखना है। और कब भी यूनिवर्सिटी में अगर ये आता है ना क्वेश्चन, तो ये पॉइंट तो लिख के ही आना है, की पॉइंट है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बाइल डक्ट की, तो यहाँ पे डायरेक्ट ये लिखा है कैसे फॉर्म हुई है वो सिस्टिक और कॉमन हेपेटिक डक्ट से।
उसके बाद अब अपन इसके बात करते हैं स्पिंटर्स के ऊपर। तो एक्चुअली में क्या रहता है स्पिंटर्स के बारे में, अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। स्पिंटर्स जो रहते हैं वो एक्चुअली में अपनी स्मूथ मसल रहती है जो कि किसी भी डक्ट के अराउंड में जो है सराउंड करती है, मेनली उसका वो जो है कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करती है, तो उसको अपन बोलते हैं स्पिंटर। अब यहाँ पे तीन स्पिंटर होते हैं और मेन सबसे मेन टॉपिक जो है ना एक्स्ट्रा बिलियरी अपरेटस में वो यही है स्पिंटर वाला। तो यहाँ पे एक स्पिंटर होता है उसको अपन बोलते हैं स्पिंटर कोलेडोकस। मैं आपको बना के बताता हूँ, यहाँ पे कोलेडोकस जो है ना उसका मतलब होता है बाइल डक्ट, समझे आप, मतलब बाइल डक्ट का स्पिंटर है। तो ये है अपनी पूरी बाइल डक्ट और वहाँ पे कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, तो ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, इसको अपन बोलते हैं स्पिंटर कोलेडोकस। देन फिर अपना एक स्पिंटर पेनक्रियाटिकस, ये समझ में ही आ रहा है ये कहाँ रहेगा, ये अपनी पेनक्रियाटिक डक्ट पे रहेगा, तो ये कुछ इस तरीके से है। देन लास्ट इसमें एक स्पिंटर है वो इसके एम्फूला पे प्रेजेंट रहता है, स्पिंटर एम्फूला, तो कुछ इस तरीके से इसके स्पिंटर हैं। खास इसमें भी टेक्निकल कुछ नहीं है, बस याद करने के ही टर्म्स हैं इसमें। तो यहाँ पे यही लिखा है द टर्मिनल पार्ट ऑफ बाइल डक्ट सराउंड स्मूथ मसल, जो टर्मिनल पार्ट है ना बाइल डक्ट का वो स्मूथ मसल से सराउंड है, उसे अपन बोलते हैं स्पिंटर कोलेडोकस। और ये जो स्पिंटर है ना ये एक्चुअली में अपने बाइल का जो फ्लो है ना उसको रेगुलेट करवाने का वो काम करता है। जब अपन इसका नर्व सप्लाई देखेंगे तब उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देन फिर यहाँ पे पेनक्रियाज वाले स्पिंटर में भी यही लिखा है कि एक्चुअली में ये जो स्पिंटर है ना ये अपना लेस डेवलप रहता है, इसके कंपेयर में अपन देखें कोलेडोकस के तो अपना एक तो लेस डेवलप्ड है और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो प्रेजेंट ही ना हो, ये स्पिंटर अपनी बॉडी में प्रेजेंट ही ना हो। तो ये जो है अपने पेनक्रियाटिक डक्ट के टर्मिनल पार्ट में प्रेजेंट रहता है, देन लास्ट वाला अपना जो है एम्फूला में प्रेजेंट है। तो पूरे अपन ने इसके स्पिंटर देखे, आप सारे तीनों नाम अच्छे से याद कर लेना। फिर अपन देखते हैं इसकी आर्टरी सप्लाई और मेनली क्या होता है, ये जो अपना पूरा अपरेटस है ना वो मेनली तीन आर्टरी से सप्लाई होता है। एक आर्टरी का नाम है सिस्टिक आर्टरी, नाम से समझ में आ रहा है सिस्टिक आर्टरी जो है वो चीफ आर्टरी है क्योंकि वो अपनी पूरी सिस्टिक डक्ट और गॉल ब्लैडर को जो है आर्टरी सप्लाई करवाती है। तो सिस्टिक आर्टरी जो है वो अपनी हो गई एक चीफ आर्टरी जो कि पूरे गॉल ब्लैडर और सिस्टिक डक्ट को जो है सप्लाई कर रही है। उसके अलावा ये जो बाइल डक्ट है ना उसका लोअर पोर्शन अपना बच गया, तो इस गॉल ब्लैडर के लोअर पोर्शन को आपको सप्लाई करेगी सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। और ये सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी जो रहती है ना वो सेवरल ब्रांचेस देती हैं और अपने लोअर पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को सप्लाई करती हैं। उसके बाद बाइल डक्ट का अपन ने देख लिया अपर पार्ट जो है सिस्टिक डक्ट करवा लिया, देन लोअर पार्ट जो है पैनक्रियाटिको सुपीरियर पैनक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी ने सप्लाई करवा दिया, लेकिन इसका अब बच गया मिडिल वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट। तो अपने बाइल डक्ट का जो बीच वाला पार्ट है ना उसको आर्टरी सप्लाई करती है अपनी राइट हेपेटिक आर्टरी। तो राइट हेपेटिक आर्टरी जो है वो अपना मिडल वाले पार्ट ऑफ बाइल डक्ट को सप्लाई करती है। तो पूरा अपन ने इसका जो है आर्टरी सप्लाई देख लिया। देन अब उसमें देखते हैं अपन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे वो ड्रेन करता है। तो एक्चुअली में क्या होता है ये जो गॉल ब्लैडर है ना इसके सुपीरियर सरफेस का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वाली वेन ड्रेन करती है जो कि लिवर में एंटर होती है। एक्चुअली में बीडीसी में क्या यहाँ पर थोड़ा घुमा के लिखा हुआ था, इसका डायरेक्ट डायरेक्ट एक ही मतलब है, अपनी कौन सी वेन एंटर करती है लिवर में, वो करती है पोर्टल वेन्स। तो इसके सुपीरियर सरफेस का गॉल ब्लैडर के सुपीरियर सरफेस का जो है पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो ड्रेन हो जाता है अपने पोर्टल वेन्स में। उसके बाद अपन रेस्ट वाला इसका पार्ट देखे अपने गॉल ब्लैडर का, मतलब इन्फीरियर और मिडल वाला पार्ट, वो वाला सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपन ड्रेन करते हैं सिस्टिक वेन में। और सिस्टिक वेन भी एक्चुअली में अपने पोर्टल वेन की ही एक ब्रांच होती है। देन फिर अपना बच गया ये लोअर वाला पार्ट, ये अपना जो बाइल डक्ट है ना उसका लोअर पार्ट। देन बाइल डक्ट का लोअर पार्ट अपना पूरा ब्लड ड्रेन कर देता है अपने पोर्टल वेन में। तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। देन अब देखते हैं नर्व सप्लाई, और यार नर्व सप्लाई मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्व, इसका अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझना है ना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंसेप्ट, तो आपको उसकी वीडियो लिंक आई बटन पे मिल जाएगी, तो आप पूरी वीडियो देखना। मैंने उसे पूरा समझाया है कि दो नर्व्स क्यों होती हैं सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक ऑर्गन्स में, या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, कहाँ से वो आती है, तो उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी।
तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व है ना, वो मेनली अपना गॉल ब्लैडर का इसका काम होता है कि अपना बाइल जूस सिक्रेट करवाना, डाइजेशन करवाना, पैरासिम्पेथेटिक नर्व का एक ही काम है। तो जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व है, सबसे पहले वो मोटर होती है अपने मस्कुलेचर ऑफ गॉल ब्लैडर के लिए, और इनहिबिटरी होती है स्पिंटर के लिए। तो आप खुद समझो, जब स्पिंटर के लिए इनहिबिटरी है मतलब स्पिंटर का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मतलब स्पिंटर अपने खुले हुए हैं टोटल, ठीक है। उसके अलावा गॉल ब्लैडर का अपन ने और कॉन्ट्रैक्शन करवा लिया इसके मसल का, तो सारा बाइल अपना खुल जाएगा इंटेस्टाइन में। वहीं पैरासिम्पेथेटिक नर्व जो है वो स्पिंटर के लिए मोटर है, वो मेनली स्पिंटर को क्लोज करवा देंगे। इस तरीके से पैरासिम्पेथेटिक नर्व जो है अपना डाइजेशन में हेल्प करवा रही हैं। फिर इसकी पैरासिम्पेथेटिक नर्व कहाँ से आती हैं, तो इसकी जो पैरासिम्पेथेटिक नर्व जो है वो अपनी आती हैं कोलियक प्लेक्सेस में, और इसके अंदर रहती हैं लेफ्ट और राइट वेगस नर्व और राइट फ्रेनिक नर्व। तो ये मैंने आपको पूरा पैरासिम्पेथेटिक नर्व बताया। देन इसकी सिंपथेटिक देखें तो मेनली सिंपथेटिक नर्व आपकी आ रही हैं थोरेसिक 7 से लेकर 9 स्पाइनल नर्व से, और वो मेनली आपकी होती है वेजो मोटर और मोटर टू स्पिंटर, स्पिंटर का क्लोज करवा लेंगी। आपको इसके स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ मेरे नोट्स के, और फिर मैं जो है आपको इसको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है। तो यार कब ये आ गया यूनिवर्सिटी में कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी एपरेटस, तो आपको करना क्या है, मेनली जितने पॉइंट्स एंड नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ना वही आप लिख के आ जाना। ये बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है, आप जितना, ऐसा नहीं है कि अपन ने बड़े बड़े पैराग्राफ में भर दिया, मेनली जितना मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सफिशियंट है। तो आप पहले हेडिंग डालोगे, देन आप फिर इसके इंट्रोडक्शन के 2 पॉइंट लिखोगे कि क्या होता है, देन फिर आप सारे डक्ट्स को एक एक करके एक्सप्लेन करोगे। तो बिल्कुल दो दो लाइन है यार, मतलब ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, इतना पूरा एक्सप्लेन कर देना। पहले राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट को, देन कॉमन हेपेटिक डक्ट को, फिर गॉल ब्लैडर को आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कहाँ से सिचुएटेड है, क्या क्या इसके पार्ट्स में डिवाइड करा है अपन ने, देन सिस्टिक डक्ट को करना, और उसका ये वाला पॉइंट स्पाइरल वॉल वाला भैया लिख के ही आना है, की पॉइंट है ये। देन फिर आप इसके स्पिंटर लिखना, और फिर एंड में आप इसका ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई लिख देना। और आप नाम नाम में लिखोगे ना चल जाएगा, ब्लड और नर्व सप्लाई में आप सिर्फ नाम भी लिखोगे तो वो भी चल जाएगा, और एंड में ये एक डायग्राम आपको बना के आना है। अब इसमें आप क्या करना, ये जो ड्यूडेनम दिखाया है ना इनने, आप ये ड्यूडेनम मत बनाना, सिर्फ आप गॉल ब्लैडर और ये वाले डक्ट्स का पार्ट दिखा देना। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो मेरी इस वीडियो को तुम करो लाइक, और मेरे चैनल के साथ तुम बने रहो, उसको अच्छे से तुम सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं सारे इसमें टॉपिक्स लाने वाला हूँ। एब्डोमिन अपना बिल्कुल अब ख़त्म हो चुका है, ये मेरी लास्ट वीडियो थी एब्डोमिन के ऊपर। अब कल से अपन देखने वाले हैं हेड एंड नेक्स्ट का टॉपिक।